नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एनपीए को लेकर यूपीए सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने देश के सरकारी बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी के एनपीए में तेज वृद्धि के लिए केंद्रीय बैंक और यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी आने वाली किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स में 2014 से पहले सुस्त रेगुलेटरी मॉनिटरिंग के लिए आरबीआई और यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि इसी कारण सरकारी बैंकों के एनपीए में वृद्धि हुई, जिसका नुकसान अब बैंकिंग सिस्टम को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उर्जित पटेल 2016 से 2018 के बीच आरबीआई के गवर्नर रहे थे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। सचिन पायलट को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 24 जुलाई तक नहीं कर सकते स्पीकर कोई कार्यवाही। जी हां दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी खींचतान के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने पायलट खेमे को राहत देते हुए स्पीकर की कार्यवाही पर शुक्रवार यानी कि 24 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के लिए कहा है। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया। अदालत सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर अपना फैसला 24 जुलाई को सुनाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात होंगे नौसेना के लड़ाकू विमान MiG-29K। जी हां दोस्तों, भले ही लद्दाख सीमा से भारत और चीन के सैनिक हट रहे हैं, लेकिन पुराने इतिहास के कारण चीनी सेना पर विश्वास करना कठिन है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना के P-8I निगरानी विमान पूर्वी लद्दाख क्षेत्र पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नौसेना के समुद्री लड़ाकू जेट MiG-29K को परिचालन के लिए उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप वायुसेना के साथ उत्तरी या पश्चिमी सीमा के साथ भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर नौसैनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती तीनों सेनाओं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के कहने पर समुद्री युद्धक विमानों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रेनों के बाद अब रेलवे स्टेशनों का होगा प्राइवेटाइजेशन, रेल मंत्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 151 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर चुकी है। अब इसके बाद सरकार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहे उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोली मंगाई जा रही है और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार भारतीय रेलवे के स्टेशनों को आधुनिक बनाने जा रही है, उसके बाद उन्हें नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को एक और झटका, भारत की इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री ने अब रद्द किए बड़े ऑर्डर, होगा करोड़ों का नुकसान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की लड़ाई के बाद अब लगभग सभी सेक्टर से चीनी सामानों को बायकॉट किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों में भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को बड़े लेवल पर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब इन ऑर्डरों के लिए नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं और दूसरे देशों से अधिक कीमत होने के बावजूद ये सारा सामान मंगा रही हैं। इसकी शुरुआत मई से हुई है, जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। इस महीने पावर गियर के आयात पर लगे तमाम प्रतिबंधों के चलते इस मुहिम को और बल मिला है, लेकिन इंडस्ट्री यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि इसकी वजह से सप्लाई ना रुके। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में घट रही है जन्म दर, 9 राज्यों में 1000 लड़कों पर 900 से कम लड़कियां।
जी हाँ दोस्तों, देश में जन्म दर घट रही है। पिछले 27 साल में इसमें 32% की कमी आई है। ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में जन्म दर में ज्यादा गिरावट आई है। सेक्स रेशो की बात करें तो देश में आज भी 9 राज्य ऐसे हैं जहां 1000 लड़कों पर 900 से भी कम लड़कियां पैदा होती है। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में 10% से ज्यादा महिलाएं आज भी डिलीवरी के लिए ना ही अस्पताल जाती है और ना ही इन्हें कोई एक्सपर्ट मिलता है। ये बातें जनगणना आयोग के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 के आंकड़ों में सामने आई है जो कि हाल ही में जारी किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईपीएल चेयरमैन ने दी जानकारी, यूएई में खेला जाएगा इस बार का टूर्नामेंट। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप को एक साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। आईसीसी के इस फैसले के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी कि टूर्नामेंट का आयोजन यूएई में किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं बल्कि विदेश में होगा। अब बस भारत सरकार द्वारा अनुमति मिलने का इंतजार है। एशिया कप के बाद अब T20 विश्व कप के स्थगित होने की खबर से इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सितंबर में एशिया कप जबकि अक्टूबर नवंबर में T20 विश्व कप खेला जाना था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस साल नहीं होगी बाबा अमरनाथ यात्रा, बढ़ते महामारी के प्रकोप को देखकर लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आतंकी और उनके आकाओं की साजिश है भगवान अमरेश्वर की वार्षिक तीर्थ यात्रा नहीं रोक पाई। लेकिन इस बार इस महामारी ने प्रशासन को वार्षिक अमरनाथ यात्रा रद्द करने को मजबूर कर दिया है। श्रीनगर में उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के सदस्यों की हुई बैठक में यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। पौराणिक तौर पर अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने में अभी 15 दिन शेष थे। सूत्रों के मुताबिक यात्रा सिर्फ पवित्र घड़ी मुबारक तक ही सीमित रहेगी। वार्षिक तीर्थ यात्रा श्रावण पूर्णिमा को संपन्न मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। उइगर महिलाओं से मानवीय व्यवहार पर उबला अमेरिका, 11 चीनी कंपनियों पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने चीन के 11 कंपनियों पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने चीनी कंपनियों पर यह प्रतिबंध चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चला रही है। चीन में उइगर मुस्लिम समुदाय समेत 10 लाख लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने बताया है कि चीनी कंपनियां उइगर व अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों से बलपूर्वक काम लेती है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध इन 11 चीनी कंपनियों में टेक्सटाइल कंपनियां और 2 सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में लॉन्च हुआ देश का पहला पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, एक साथ 5 गाड़ियां होंगी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के इरादे से केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आरके सिंह ने कहा है कि भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए ईवी चार्जिंग प्लाजा एक नई पहल है। इस तरह की अभिनव पहल देश में एक मजबूत ई मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जरूरी है। इसके लिए मैं EESL और NDMC दोनों को बधाई देता हूँ। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संचालित करने के नए मॉडल की पहचान करने के काम की अगुवाई कर रही है। NDMC के सहयोग से EESL ने मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा स्थापित किया है। इसमें 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, देश के 25,000 किसानों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, देश बहुत जल्द ही एक फूड पार्क बनाने वाला है जिसमें 5,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा।
इस नई योजना के लगभग 25,000 किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। मिजोरम सरकार 75 करोड़ की लागत से नया फूड पार्क तैयार करने जा रही है। इस फूड पार्क में देश के लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पार्क की वजह से स्थानीय 25,000 किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस परियोजना में जल्द 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी मिलेगा, जिससे आम लोगों को उत्पादन में मदद मिल पाएगी। इस फूड पार्क में खाद्य उत्पादों से जुड़े बिजनेस हो पाएंगे। इसमें मेगा फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे कारोबार चल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बोचारों के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगेय, पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों से पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा और गुजरात में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मानसून ट्रफ अमृतसर, लुधियाना, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, भागलपुर होते हुए हिमालय के तराई क्षेत्र तक बनी हुई है और अरब सागर में केमोरिन क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, चांदी भी हुई 1832 रुपए महंगी। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी की वजह से आर्थिक मंदी में फंसी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका और यूरोप फिर से राहत पैकेज दे सकते हैं। इन्हीं खबरों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतों में 192 रुपए की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ चांदी के भाव में 1832 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया है, जिससे दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 50,022 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 54,609 रुपए से बढ़कर 56,441 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल में अब सप्ताह में 5 दिन ही खुले रहेंगे बैंक, शनिवार और रविवार को होगी छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, लगता है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग पर गंभीरता से विचार किया गया है, इसलिए पश्चिम बंगाल में हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। एसोसिएशन की डिमांड थी कि बैंक कर्मियों पर इस महामारी का खतरा है और ऐसे में सप्ताह में 5 दिन ही काम हो, यानी वर्किंग डेज 5 दिनों का हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को हर शनिवार को बैंक बंद संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य में बैंक कर्मियों के इस महामारी से संक्रमित होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में बैंक प्रत्येक रविवार के अलावा हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। पश्चिम बंगाल के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाली सभी बैंक शाखाओं के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून 1881 के तहत मौजूदा दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही हर शनिवार को सरकारी छुट्टी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेजन प्राइम पर 6 अगस्त को शुरू होगी बड़ी सेल, मिलेगी बेस्ट डील, लॉन्च होंगे सैकड़ों नए प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अमेजन भारत में प्राइम मेंबरशिप्स को अगस्त में प्राइम डे के साथ भरपूर आनंद उठाने का मौका उपलब्ध कराएगी। भारत में अपने चौथे साल में प्राइम डे की शुरुआत 6 अगस्त गुरुवार की मध्य रात्रि से होगी, जो 48 घंटे तक चलेगी। इसमें मेंबर्स को पूरे 2 दिन तक उनके घर पर ही आराम और सुरक्षा के साथ बेहतरीन शॉपिंग, सेविंग और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट की पेशकश की जाएगी। इस प्राइम डे पर हजारों लघु एवं मध्यम उद्योग प्राइम मेंबर्स को विशिष्ट उत्पादों की पेशकश करेंगे, जो उन्हें हाल ही की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। मेंबर्स के पास विभिन्न कार्यक्रमों जैसे लोकल शॉप, अमेजन लॉन्च पैड, अमेजन सहेली और अमेजन कारीगर के तहत हजारों अमेजन विक्रेताओं के उत्पादों को देखने और खरीदने का अवसर एक साथ उपलब्ध होगा। साथ ही वह लाखों लघु कारोबारियों द्वारा दिए जाने वाले डील्स और ऑफर्स का भी लुफ्त उठा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 7 अगस्त को ग्लोबल डेब्यू करेगी किया सोनेट।
नया टीजर हुआ जारी, ब्रीजा को देगी टक्कर। जी हां दोस्तों, किया मोटर्स की इंडियन वेबसाइट पर नई आ रही सोनेट सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लिस्ट हो गई है। कंपनी भारत में इन गाड़ियों को 7 अगस्त को ग्लोबल डेब्यू करने वाली है। किया सोनेट की पहली झलक ऑटो एक्सपो 2020 में दिखी थी। इस गाड़ी का इंडियन कार मार्केट में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। टीजर वीडियो संकेत देता है कि किया सोनेट का प्रोडक्ट मॉडल ऑटो एक्सपो में दिखे उसके कॉन्सेप्ट से बहुत अलग नहीं होगा। सोनेट किया मोटर्स का भारत में तीसरा मॉडल होगा। इससे पहले कंपनी सेल्टोस और कार्निवल को उतार चुकी है। सोनेट की एक शोरूम दिल्ली कीमत 6.5 लाख से 12 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।